हे गाइस, तो ये हमारा विटीज का टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन के बहुत सारे डील्स, उसके साथ ही साथ पेटीएम का हमारा जो गिव अवे होता है वो भी इसी चैनल पे होता है। तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को और बहुत सारा लूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो को। हे गाइस, वेलकम टू विटी चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे एप्लीकेशन पे जो है वो आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हो या फिर चेंज कैसे कर सकते हो। उसके साथ ही साथ मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि आप रिमूव भी किस तरह से आपका बैंक अकाउंट जो है कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई बैंक अकाउंट है गूगल पे एप्लीकेशन पे जो लिंक है, तो उसे निकाल के उसकी जगह पे दूसरा बैंक अकाउंट किस तरह से डालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसे ओपन करते हो तो यहाँ पे साइड में आपको देख सकते हो, आप राइट हैंड कॉर्नर पे जो है, राइट हैंड साइड पे टॉप पे एकदम तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेटिंग पे के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे अभी तीन बैंक अकाउंट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC का। एक ही मेरे जो गूगल पे का अकाउंट है उसके ऊपर तीन डिफरेंट बैंक के अकाउंट्स लिंक है, तो ऐसा पॉसिबल है आप जितने भी आपके पर्टिकुलर नंबर से, आपका गूगल पे का जो नंबर है उसके ऊपर जितने भी बैंक अकाउंट्स लिंक है, वो सारे के सारे बैंक अकाउंट आप यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन पे लिंक कर सकते हो। जस्ट आपको आपका डेबिट कार्ड चाहिए रहता है और सेम मोबाइल नंबर आपका पास जो सिम है वो फर्स्ट स्लॉट में आपके मोबाइल के प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी तीन बैंक अकाउंट है, तो इसमें से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और वापस इसे ऐड करके सेम अकाउंट में दिखा देता हूँ। तो जस्ट आपको सिंपली क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक करने के बाद चाहिए तो आप यहाँ से व्यू बैलेंस करके अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो। तो मुझे अभी क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा को रिमूव करना है। तो वापस यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे टॉप पे देख सकते हो तीन बटन्स दिखाई, तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करके रिमूव अकाउंट का ऑप्शन है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिमूव अकाउंट। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो एक बात ध्यान रखना कि अभी जब भी आप इसे डिलीट करने जाओगे तो आपका UPI ID जो भी इसके इसे लिंक रहेगा आपके ये पर्टिकुलर डेबिट कार्ड से, मतलब बैंक अकाउंट से, वो सारे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, वापस लिंक करोगे तो वापस वो आप को ऑटोमेटिकली लग जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर UPI ID है वो क्रिएट हो जाता है। तो अभी ठीक है, यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा तो चला गया, तो अभी मुझे वापस क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड करना है। तो सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देख सकते हो नीचे, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो अगर आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ से अकाउंट मैंने डिलीट किया, वैसे ही मेरा प्राइमरी अकाउंट चेंज हो गया और बन गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, जब भी आप यहाँ पे टिक देख सकते हो, टिक का मतलब क्या है कि वो आपका प्राइमरी अकाउंट बन गया। प्राइमरी अकाउंट मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी को पैसा सेंड कर रहे हो या फिर किसी से पैसा ले रहे हो तो उसी बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे तीन बैंक अकाउंट थे, राइट। तो इसका टिक का मतलब क्या है, जब भी मैं पैसा सेंड करने जाऊंगा या फिर किसी से रिसीव करने जाऊंगा वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ही निकलेगा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट में ही चला जाएगा। वो बात ध्यान में रखना, जो भी प्राइमरी अकाउंट रहता है उसी में पैसा आता है और उसी से पैसा चला जाता है। चाहिए तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे देख सकते हो सेट एज प्राइमरी अकाउंट करके, तो HDFC को भी मैं प्राइमरी अकाउंट बना सकता हूँ। तो ये हुई प्राइमरी अकाउंट बनाने की बात। यहाँ पे अभी क्या करते हैं हम लोग, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं और बताता हूँ आपको किस तरह से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे बैंक के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो सर्च बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे टाइप करना बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जिस बैंक का नाम है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसे का नाम यहाँ पे टाइप कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरा। तो यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब वेरिफिकेशन हो जाता है क्योंकि मेरा सिम कार्ड जो है इसी मोबाइल में अभी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे UPI ID देख सकते हो आप, नया UPI ID मुझे यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे एंटर UPI पिन में क्लिक कर देता हूँ। तो UPI पिन का क्लिक करने के बाद आपका जो पुराना UPI पिन है वही रहेगा, अगर चाहिए नहीं रहेगा आपका UPI पिन तो नया भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके बैंक का कोई भी UPI पिन नहीं रहेगा तो वो भी यहाँ से आप नया क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग UPI पिन है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने UPI पिन एंटर कर लिया है और UPI पिन एंटर करते ही मेरा अकाउंट जो है ऐड हो चुका है और नया प्राइमरी अकाउंट बन चुका है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे टिक देख सकते हो। तो इस तरह से आप इजीली अपना बैंक अकाउंट जो है चेंज कर सकते हो गूगल पे एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी मैंने जो डिलीट किया है यहाँ से और वापस इसे ऐड किया, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ पता है कि गूगल पे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ऑलरेडी था, तो उसी को निकाल के मैंने वापस डाल दिया। तो उन लोग के पास जो था वो डेबिट कार्ड के डिटेल्स मेरे ऑलरेडी थे, इसलिए इन्होंने मुझे पूछा नहीं कि आपका डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर कीजिए करके, ऐसी कोई चीज़ पूछी नहीं। तो सपोज आपने जाके कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन किया, नया न्यू अकाउंट, और अभी
आपको वो अकाउंट जो है वो इस गूगल पे एप्लीकेशन पे लिंक करना है। तो वो टाइम पे अगर आप सेम प्रोसीजर करते हो ना यहाँ पे ऐड बैंक पे क्लिक करके, तो आपको जो है वो क्या पूछेगा, जस्ट अपना कैनरा बैंक वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड रहेगा उसके लास्ट के 6 डिजिट्स आपको एंटर करना है और वैलिडिटी एंटर करनी है बस। तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP एंटर कर देना। आपका नया UPI पिन आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि आपकी वो नई बैंक है। हर एक बैंक के लिए आपका नया नया UPI पिन रहेगा। UPI ID नहीं बोल रहा हूँ मैं, पासवर्ड जो आप एंटर करते हो पैसा सेंड करने के टाइम, वो आपको क्रिएट करना होगा। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सेटअप पूरा हो जाएगा और इजीली आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जिसके ऊपर टिक रहेगा वो आपका प्राइमरी अकाउंट रहेगा, उसमें से ही पैसा हमेशा मतलब डेबिट होगा और हमेशा उसमें ही क्रेडिट होगा। चाहिए तो आप इजीली यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।